ये हैं वन प्लस बड्स प्रो, अभी तक वन प्लस की तरफ से लॉन्च किए गए सबसे महंगे TWS ईयरफोन, और ये सीधा सीधा टक्कर देते हैं और चैलेंज करते हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो को। और क्या ये है एंड्रॉयड के लिए एप्पल एयरपॉड्स प्रो या फिर नहीं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स की। सो जो बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा बॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे वन प्लस बड्स प्रो मैट ब्लैक, ये दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ब्लैक एंड वाइट। सो डेफिनेटली ब्लैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बैक साइड में आपको यहाँ पे कुछ इसके स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे, और जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करते हैं वाह, यहाँ पे आपको ये बहुत ही स्लिम लाइट वेट वन प्लस बड्स प्रो के TWS ईयरफोन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो ईयरफोन्स है वो इस केस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सो कवर हटाने के बाद यहाँ पे कुछ आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक्सेसरीज देखने को मिलेगी, यानी कि चार्जिंग केबल, और जो इसके ईयरबड्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अलाइन किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, विच लुक्स प्रीटी ग्रेट। इवन जो यहाँ पे रेड कलर वो काफ़ी अपीलिंग है, और टेक्सचर फिनिश के साथ आता है। सो इस पेपर को जो आप टच करेंगे तो बहुत ही स्मूथ और टेक्सचर फिनिश देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ये रेड कलर की USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स है, साथ ही साथ यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड है, सेफ्टी गाइड है, और रेड केबल कार्ड है। सो दैट्स ऑल इन द बॉक्स, और पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्रीमियम देखने को मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिज़ाइन मुझे बहुत ही सॉलिड लगा, यहाँ पे आपको ये मैट कलर के TWS ईयरफोन देखने को मिलेंगे, और जो ईयरबड्स हैं मैट कलर के साथ साथ यहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर की लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छा देखने में फील होता है। फिनिशिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट TWS ईयरफोन है, आसानी से आपके हाथ में फिट हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए ताकि आपकी पॉकेट में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएं। बहुत ही टाइनी माइनी ईयरफोन का केस है, और ईयरबड्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं। सिंगल हैंड ओपन करने में थोड़ा सा इशू होगा, बट मेरे लिए इतना इशू नहीं है, बट फिर भी अगर आप सिंगल हैंड ओपन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इशू होने वाला है। सो दीज आर नॉट टॉप ओपनिंग ईयरफोन, दीज आर ओपनिंग जस्ट लाइक योर लैपटॉप। ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, और यहाँ पे आपको फ्रंट में एक LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा, इनसाइड यहाँ पे आपको ये पेयरिंग बटन देखने को मिलेगी, और बैक में USB-C टाइप की चार्जिंग देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल फिनिशिंग मुझे बहुत ही बढ़िया देखने को मिली, कोई भी इशू नहीं हुआ, एंड दिस रियली फील्स प्रीमियम इन हैंड एंड लाइट वेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जिसके लिए TWS ईयरफोन्स खरीदे जाते हैं, वो है साउंड क्वालिटी। इन TWS ईयरफोन्स में आपको 11mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे, तो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बेस की बात करते हैं तो काफ़ी तगड़ा है, दो दिस इज़ नॉट डीप एंड पंचिंग बेस जो बूम बूम वाला इंडियन यूजर्स को चाहिए, बट फिर भी बेस काफ़ी पंची है और काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। वोकल्स काफ़ी क्रिस्प हैं, क्लियर्स हैं, और हाइस भी बहुत ही बढ़िया है, यानी कि बैकग्राउंड में आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे आपको क्लियर सुनाई देने वाले हैं। ये बहुत ही कम TWS ईयरफोन्स में होता है कि हाइस भी अच्छे हों, मिड्स भी हो, और आपके बेस भी काफ़ी तगड़ा हो। सो साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली, कोई कंप्लेन नहीं है साउंड क्वालिटी में, और फ्रिक्वेंसी सेपरेशन भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिला यहाँ पे। सो अगर आपको एक ऐसा TWS ईयरफोन चाहिए जिसकी साउंड क्वालिटी लाजवाब हो, तो डेफिनेटली वन प्लस बड्स प्रो है आपके लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके नॉइस आइसोलेशन के बारे में। सो यहाँ पे आपको पैसिव, एक्टिव, ENC सारे तरीके के नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलने वाले हैं। सो ENC की अगर बात करते हैं तो 40 dB का नॉइस कैंसिलेशन करने वाले हैं, वाह काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि ईयरफोन्स हैं ये, हेडफोन्स नहीं है। 40 dB का जो नॉइस कैंसिलेशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। सो रेफरेंस के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि अगर आप गाड़ी से मूव कर रहे हैं तो सारे बैकग्राउंड नॉइसेस, आपकी गाड़ी के इंजन हो गया, हॉर्न हो गया, या बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूज़िक सुन रहा है तो वो भी ऑलमोस्ट ब्लर हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, बटन रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे आपको एप्पल एयरपॉड जैसा ही स्क्वीज कंट्रोल देखने को मिलेगा, सो एक्सीडेंटल टच के चांसेस जीरो हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर आप ईयरफोन्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल टच नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। सो आपका गाना ऑटोमेटिकली पॉज, प्ले, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग में नहीं जाने वाला है। जो यहाँ पे टच कंट्रोल्स है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। सो अगर आप सिंगल स्क्वीज करते हैं तो आप आसानी से प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, डबल स्क्वीज करते हैं तो आप नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हैं, ट्रिपल स्क्वीज करते हैं तो आप आसानी से प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं, और लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है Hey Melody ऐप में।
सो दिस इज गुड, बट किसी भी तरीके से आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते. सो थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज देखने को मिला, जो सिंगल और डबल स्क्वीज़ है वो कस्टमाइजेबल नहीं है, ओनली ट्रिपल स्क्वीज़ ही कस्टमाइजेबल है. तो ये भी मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखने को मिला. साथ ही साथ अगर आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में. इन चीज़ों को आप आसानी से हे मेलोडी ऐप में सेट कर पाएंगे. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिला जो कि है जेन मोड. सो प्रेजेंट होल्ड रखते हैं 3 सेकंड के लिए तो यहाँ पे आपको ये जेन मोड एक्टिवेट हो जाएगा. सो जनरली जेन मोड है वो आपके बैकग्राउंड नॉइस को एनहेंस कर देता है, यानी कि आपको वाटरफॉल की आवाज़ सुननी है, मॉर्निंग ब्रीज चिरपिंग बर्ड सुननी है, वो आसानी से यहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो आपको कंफर्टेबल और कोजी जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे आपको सुनाई देगा, विच दे क्लेम्स इम्प्रूव योर फोकस एंड अटेंशन, जो कि हो सकता हो नहीं सकता, डिपेंड्स अपॉन वॉट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. और अगर आप कॉल्स को रिसीव भी करना चाहते हैं तो सिंगल टैप से कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो डबल प्रेस करके यहाँ पे कर पाएंगे. सो ओवरऑल बटन रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग देखने को मिली, यानी कि मैं अपने लास्ट डायल नंबर को रिकॉल नहीं कर सकता, वॉल्यूम को किसी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकता, सिंगल टैप एंड डबल टैप को कस्टमाइज नहीं कर सकता, विच इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ SNTWS ईयरफोन के लिए जिसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. एनी हाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी एंड कम्फर्टेबिलिटी. SNTWS ईयरफोन्स में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा, विच इज़ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट. सो राइट नाउ आई एम हैविंग सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, जो कि अनफॉर्चुनेटली ब्लूटूथ 5 भी सपोर्ट करता है. सो दिस इज हैविंग अ ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो कि उस टाइम में लेटेस्ट था जब ये लॉन्च हुआ था, बट राइट नाउ 5.2 इज़ द लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन. सो कुछ चीज़ यहाँ पे मुझे इतनी क्लैरिटी से समझ में नहीं आएंगी. एंड इफ यू आर हैविंग अ ब्लूटूथ 5.2 फोन और आपके पास गलती से OnePlus Buds Pro है, आपने खरीद लिया है, सो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसा लगा. सो कनेक्टिविटी सुपर वे सॉलिड है, आपको जस्ट ईयरफोन्स को रिमूव करना है, आसानी से आप पेयर कर पाएंगे. छोटा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि आप 2 डिवाइसेस को एक साथ पेयर नहीं कर सकते, यानी कि डुअल कनेक्टिविटी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और जो पेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कंबर्सिव है. और सबसे डिसअपॉइंटमेंट देखने को लगा कि आप अपने प्रीवियस फ़ोन के साथ अगर पेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेमोरी नहीं है. मेरा रिकमेंडेशन है कि आप SNTWS ईयरफोन को सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि स्विच करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फील हुई. एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम 10,000 रुपीज़ TWS ईयरफोन. एर्गोनॉमिक एंड डिज़ाइन और फिट मुझे बहुत ही तगड़ा देखने को मिला SNTWS ईयरफोन्स का. दो मुझे थोड़ा बहुत करेक्शन देना पड़ता था SNTWS ईयरफोन को आफ्टर 20-25 मिनट्स, बट स्टिल फिटिंग मुझे बहुत ही तगड़ी लगी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग. ईच बर्ड में आपको 40 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी, और चार्जिंग केस में आपको 520 mAh की लिथियम आयन बैटरी बैंक देखने को मिलेगा. सो बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको समवेयर अराउंड 6 आवर्स के आसपास प्लेबैक देखने को मिलेगा. दो मेंशन है 7 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम विद ANC ऑफ, और ANC ऑन करके बात करें तो समवेयर अराउंड 4 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलेगा, बट प्रोडक्ट पे यहाँ पे 5 आवर्स का प्लेबैक मेंशन है. सो नॉट मच ह्यूज डिफरेंस, बट यार डेफिनेटली 1 घंटे के आसपास का डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिला. चार्जिंग केस की बात करें, आसानी से आप SNTWS ईयरफोन को चार्ज कर सकते हैं और 2 घंटे में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएंगी, और रफली आप 5 बार अपने ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग केस की मदद से. सो टोटल प्लेबैक टाइम की बात करें इंक्लूडिंग चार्जिंग केस एंड ईयरबड्स, तो समवेयर अराउंड आपको 32-33 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलेगा. दो मेंशन है 38 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम विद ANC ऑफ, ANC ऑन के साथ समवेयर अराउंड 25-26 घंटे का देखने को मिलेगा. दो मेंशन है 28 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, विच इज़ प्रिटी ग्रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. चार्जिंग केस 52 ग्राम का है और ईच TWS ईयरफोन 4.5 ग्राम का है. चार्जिंग की बात करें तो USB-C पोर्ट है, आसानी से आप USB-C टाइप चार्जिंग केबल से चार्ज कर सकते हैं. फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, सो अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 10 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलेगा, और आसानी से TWS ईयरफोन 1 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज होंगे. साथ में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, ची सर्टिफाइड है, सो डेफिनेटली आप इनको वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं. और अगर आपके पास एक गैलेक्सी S10 प्लस है या उसके ऊपर का डिवाइस है तो इवन आप अपने फ़ोन की मदद से भी इनको वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे. वाओ, सो डेफिनेटली दिस इज़ ग्रेट फीचर कि आपको 2 तरीके की चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं. खुदा ना खास्ता अगर आपका सी पोर्ट कभी ख़राब हो गया तो आप वायरलेसली भी इनको चार्ज कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वाटर रेस्टोरेंट रेटिंग. SNTWS ईयरफोन में आपको IP55 वाटर रेस्टोरेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है स्वेट प्रूफ, जिम में आप यूज़ कर सकते हैं, जॉगिंग में, रनिंग में,
लाइट रेनफॉल में यूज़ कर सकते हैं, बट दीज TWS ईयरफोन्स आर नाइदर स्विम प्रूफ नॉर शावर प्रूफ। साथ ही साथ चार्जिंग केस में भी आपको IPX4 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे TWS ईयरफोन्स में सिर्फ और सिर्फ जो ईयरबड्स होते थे वही वाटर रेसिस्टेंट होते थे, चार्जिंग केस नहीं होता था, बट इस केस में चार्जिंग केस भी आपको IPX4 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ मिलने वाला है, विच इज़ रियली गुड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कॉलिंग फीचर के बारे में। यहाँ पे आपको ट्रिपल माइक सेटअप देखने को मिलेगा ईच ईयरफोन्स में, यानी कि 6 माइक सेटअप है, सो कॉलिंग बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और आपको यहाँ पे ये लॉन्ग स्टेम देखने को मिलेगी, सो डेफिनेटली इनकी फिडेलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है और कॉलिंग रिस्पॉन्स इनका तगड़ा होने वाला है। तो इसी के साथ कर लेते हैं इनका माइक्रोफोन टेस्ट और जान लेते हैं जो इनका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है वो कैसा है। राइट नाउ मैं हूँ आउटडोर्स में और आपको ढेर सारा बैकग्राउंड नॉइस देखने को मिल जाएगा, समवेयर अराउंड 70 dB के आसपास बैकग्राउंड नॉइस है। और अभी जो आवाज़ सुन पा रहे हैं वो आ रही मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट रोड वीडियो माइक्रोफोन। राइट नाउ अभी जो आवाज़ सुन पा रहे हैं वो आ रही मेरे वन प्लस बर्ड्स प्रो TWS ईयरफोन से, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट वन प्लस बर्ड्स प्रो TWS ईयरफोन। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा जो उसका माइक रिस्पॉन्स है वो कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल माइक सेटअप देखने को मिल जाएगा। कोडेक की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे SBC है, AAC सपोर्ट देखने को मिलेगा और एक नया कोडेक है LHDC सपोर्ट, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट बी अवेयर कि ये सारे फ़ोन्स में सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ OnePlus 9 या उसके ऊपर वाले जो फ़ोन आने वाले हैं वहाँ पे LHDC सपोर्ट करने वाला है। और साथ में यहाँ पे आपको Dolby Atmos का सपोर्ट भी इन TWS ईयरफोन में देखने को मिलने वाला है, तो जो इसका साउंड एक्सपीरियंस है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। अगर आपका फ़ोन Dolby Atmos सपोर्ट करता है तो आप ऑन एंड ऑफ करके देख लीजिएगा। साथ में इन TWS ईयरफोन में OnePlus Audio ID का भी सपोर्ट मिलेगा, तो अगर आप इस ईयरफोन को घर में यूज़ करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं, आपके भाई बहन हैं या पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं और इसी के हिसाब से जो ऑडियो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होने वाला है फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। इसको सेट करना काफ़ी आसान है, आप OnePlus Audio ID में जाइए अगर आपके पास जेन मोड है, और अगर पास OnePlus डिवाइसेस है तो सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हैं। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली आपकी एज और प्रेफरेंस के हिसाब से जो OnePlus Audio है वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देने वाली है। साथ में यहाँ पे आपको ईयरबड्स का फिट टेस्ट भी देखने को मिलेगा, विच वेरीफाइज जो आपके ईयर टिप्स हैं वो कंफर्टेबल हैं और राइट साइज के हैं या फिर नहीं। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छा ये TWS ईयरफोन देखने को मिला मुझे। बात कर लेते हैं इनके जिम फ्रेंडलीनेस की, तो जैसा कि मैंने बताया जो इनकी फिट है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, साथ ही साथ वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग भी देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली जिम में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी लेटेंसी, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिलेगी। तो मेरे केस में यहाँ पे समवेयर अराउंड 200 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी देखने को मिली जब मैंने इस ऑडियो टेस्ट नाम ऐप से टेस्ट किया, तो डेफिनेटली गेमिंग में थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आपके पास ब्लूटूथ 5.2 वाला फ़ोन है तो काफ़ी लो लेटेंसी देखने को मिलेगी, और अगर आप OnePlus Buds में गेमिंग मोड को ऑन करते हैं तो और ज़्यादा लेटेंसी कम होने वाली है। सो अगर आपके पास ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वाला फ़ोन है, OnePlus 9 या प्रो है और आपके पास ये ईयरफोन्स हैं, सो डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा जो लेटेंसी वो बाकी 94 मिलीसेकंड या 100 मिलीसेकंड के आसपास है या फिर नहीं है। बट इफ यू आर हैविंग ब्लूटूथ 5 फोन तो डेफिनेटली आपको 200 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट प्रेटी ग्रेट फॉर गेमिंग, बट स्टिल अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो ये जो हे मेलोडी नाम की ऐप है वो दोनों OS के लिए अवेलेबल है, यानी कि एंड्रॉयड एज वेल एज iOS। सो अगर आपके पास Apple AirPods Pro खरीदने का बजट नहीं है और आपने गलती से iPhone खरीद लिया तो भी ये OnePlus Buds Pro आपके फ़ोन के साथ सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं, फिर भी अगर कोई भी पॉइंट लेफ्ट आउट हो गया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी और TWS ईयरफोन के साथ इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इस वीडियो को समराइज और बताते हैं ये TWS फोन्स किसके लिए और क्या आपको ये परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। सो अगर आपको चाहिए प्रीमियम TWS ईयरफोन्स जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर हो Apple AirPods Pro जैसे दिखने में या फिर उसके साउंड एक्सपीरियंस में, तो ये TWS ईयरफोन्स हैं आपके लिए। ANC इनका काफ़ी अच्छा लगा, साउंड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है, और साथ ही साथ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा विच इज़ प्रीटी ग्रेट, वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी और ढेर सारे फीचर्स के साथ आता है। थोड़े बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिले इस TWS ईयरफोन के साथ कि आपको थोड़ी देर में करेक्शन देना पड़ेगा, वेल इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ वेल दे फिट इन योर ईयर्स, बट मेरे केस में मीडियम ईयर टिप्स के साथ मुझे
थोड़ी देर बाद करेक्शन देना पड़ रहा था इन TWS ईयरफोन को। साथ ही साथ पेयरिंग प्रोसेस काफ़ी कम्बर्सिव है, अगर आपको एक फ़ोन या दूसरे फ़ोन में पेयर करना है तो ईजिली आप पेयर नहीं कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे मुझे बटन कस्टमाइजल का ऑप्शन देखने को नहीं मिला, जो कि मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। सो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा TWS ईयरफोन है और एप्पल एयरपॉड्स को काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे प्राइस में आता है और सारी फीचर जो कि आपको एप्पल एयरपॉड्स में देखने को मिलेंगे वो इस ईयरफोन में देखने को मिलने वाले। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।